हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दिस इज़ वंश हियर एंड यू वॉचिंग द इंडोरो। सो आज का जो वीडियो होगा वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भाई वीडियो बनाओ कि लेटविया और लिथुएनिया में कौन सी कंट्री चूज़ करी जाए। तो जब मैं लिथुएनिया आ रहा था तब मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था इस क्वेश्चन को लेके। तो चलो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सीन कुछ ऐसा था कि मैं ये पीछे अब आयुष देख रहा हूँ, अब मैं इसको पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। मैंने इसको बोला कि मेरी आज ब्लॉग में मदद कर दे, तो मैं इससे बोलता कि आप मुझे कुछ खिलाओगे तो मैं आपकी मदद तभी करूँगा। तो अभी कुछ चलते हैं इक्की से लेंगे खाने पीने का और उसके बाद आगे ब्लॉग में मिलते हैं। बाकी अगर आपको खाना हो तो यहाँ पर अभी चाइनीज़ है और यमी है तो अभी आप आ सकते हो। ये बिल्कुल डोमेट्री के साथ में है और जी एम ई है वो 24 आवर्स ओपन भी होता है। एक ही भी साथ में ही है पर ये रात में बंद हो जाता है टाइम से। यहाँ पर अपनी ये आपकी ई व्हीकल है तो आप अपनी ई व्हीकल यहाँ चार्ज कर सकते हो और साथ में एटीएम भी है। और मेन जो पार्किंग स्पॉट है वो यही है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है तो आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। पार्किंग यहाँ पर कोई है रात में और ये एक ही। पीछे जो आप देख रहे हो ये लिथुएनिया का फ्लैग है, फिर यू का फ्लैग है और उसके साइड पे विल्नसटेक का फ्लैग है। तो यही विल्नसटेक यूनिवर्सिटी है। आप जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो आप यहीं पर आओगे। इसके कई सारे कैंपस हैं पर जो मेन कैंपस है वो यही है और इंटरनेशनल ऑफिस भी यही है जो मेरे पीछे देख रहे हो। लिथुएनिया और लेटविया के बारे में अब मेन टॉपिक पर चलते हैं। लिथुएनिया और लेटविया के बारे में बात करते हैं। लिथुएनिया का जो साइज़ है वो 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का साइज़ है और वहीं जो लेटविया का है वो 64 है। लिथुएनिया में लिथुएनियन लैंग्वेज बोली जाती है और लेटविया में लेटवियन बोली जाती है। इंडिपेंडेंट की बात करें तो लिथुएनिया 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ था और लेटविया 1991 में, दोनों ही सेम टाइम पर इंडिपेंडेंट हुए थे। कैपिटल की बात करते हैं तो लिथुएनिया की कैपिटल है वो विल्नस है और जो लेटविया की कैपिटल है वो रिगा है। करेंसी की बात करें, करेंसी दोनों ही कंट्री में यूरो यूज़ होती है। दोनों ही शेंजन का पार्ट है और शेंजन और नाटो का पार्ट है। कोई कंट्री जब शेंजन का पार्ट होती है तो इसका मतलब ये है अगर आप इंडिया, भूटान, नेपाल कहीं से भी आते हो, आप लेटविया होगे या लिथुएनिया होगे, आप एक का वीज़ा लेकर आते हो और फ्रीली सारी और शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो तो आप किसी में आओ और यूरोपियन यूनियन में आप फ्रीली ट्रैवल कर पाओगे। पॉपुलेशन की बात, लिथुएनिया की अराउंड 3 मिलियन पॉपुलेशन है और लेटविया की अराउंड 2 मिलियन पॉपुलेशन है। अब थोड़ा एजुकेशन के बारे में बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। लिथुएनिया है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए फेमस है और वहीं जो लेटविया है वो मैनेजमेंट के लिए फेमस है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं। लिथुएनिया और लेटविया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है अराउंड वो आपकी 300 यूरोस आती है। ये दोनों ही कंट्री में बिल्कुल लगभग सेम है क्योंकि कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा सेम है एक दूसरे से। इसको थोड़ा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ तो आपके यहाँ पे हॉस्टल फीस आती है वो 100 to 150 यूरोस आती है। ग्रोसरी आप 100 यूरो ले लो। अगला खर्चा आता है आपका वो है वो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन 10 to 15 यूरोस होता है और मोबाइल बिल भी 10 to 15 यूरोस होता है। और थोड़े मिसलेनियस एक्सपेंस लेंगे तो हम आपके यहाँ पर जो बजट आता है वो आपका 300 to 350 यूरोस आता है और ये जो अमाउंट है ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है। अब बात करते हैं मार्क्स। लेटविया में आपको 50% मार्क्स चाहिए और लिथुएनिया में आपको 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। इससे नीचे अप्लाई मत करना, आपकी एप्लीकेशन फ़ीस वेस्ट होगी और आपके पैसे ख़राब जाएंगे और आपका टाइम भी ख़राब होगा। ये जो मार्क्स हैं ये इनकी गवर्नमेंट के द्वारा सेट हुए होते हैं तो इसके नीचे यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं दे सकती। तो आपको कोई एजेंट भी बोलता है तो भी मत जाना क्योंकि इसके नीचे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, किसी और कंट्रीज़ को देखेंगे। तो यार मैंने सोचा कि लोकेशन चेंज करता हूँ, आपको बिल्डिंग और साइड से भी पीछे से देखने के लिए मिलेगी और उधर चल के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के आगे पार्किंग मिल जाती है, ये पार्किंग सबके लिए नहीं है। अगर आप इसी रोड पे पीछे चले जाओगे तो आपको वेलनेस यूनिवर्सिटी का कैंपस दिखेगा
और आपके सामने पीछे कैफीन है और एक ही ऑफिस है। ये वही जो आप मेरे आप पीछे व्लॉग में देख रहे थे, इंटरनेशनल ऑफिस। और एक स्पेशल चीज़ है इस ऑफिस के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पे बिल्डिंग को जब हम देखते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इंटरनेशनल ऑफिस का ऑफिस है वो इंटरकनेक्टेड है। तो अभी आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग से देख रहे हो टनल टाइप की है और ये दोनों जगह को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। तो ये है जो मेन कैंपस जब भी आप यहाँ पर आओगे पढ़ने के लिए। बाकी इसके अंदर लाइब्रेरी है और फिर इंटरनेशनल ऑफिस के लेक्चर्स कर सकते हो कभी भी, और फिर उसके बाद आपको लेक्चर लेने तो आप सीधा टनल के थ्रू जा सकते हो। बाकी यहाँ पे आईटी वगैरह वाले हो गए, बिजनेस वगैरह वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हो गए, तो आप सबके लेक्चर्स यहाँ पे होंगे। और जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जैसे कि रीगा टेक हो गई और उसके बाद ट्रुडीबा यूनिवर्सिटी हो गई, लेटविया यूनिवर्सिटी हो गई, ये तो आपको 60% से नीचे है तो एडमिशन देती भी नहीं है। वैसे 50% है पर जो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 60% के नीचे भी एडमिशन नहीं देती। लेटविया में आने के वक्त पर आपको 3 ईयर्स ऑफ मैंडेटरी एजुकेशन चाहिए तभी आप मास्टर्स वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, और बैचलर स्टूडेंट्स के लिए आपका क्लास 12th या डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आप लिथुआनिया की बात करें, लिथुआनिया में 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैंडेटरी है। बाकी ये प्री मास्टर प्रोग्राम्स भी देते हैं यहाँ पे, जैसे विल्नस यूनिवर्सिटी के पास प्री मास्टर प्रोग्राम है तो आप उसमें एनरोल हो सकते हो। जब लिथुआनिया में जाते हो तब आपके लिए होता है SKC और जब लिथुआनिया में आते हो तब होता है SKVC। बेसिकली ये आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और इन्हीं जब ये आपको अलाउ करते हैं तब उसी के बाद आपको एडमिशन मिलता है। क्या लिथुआनिया में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे और उसके बाद ये मैंडेटरी है, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे और इसमें जो है 30 डेज़ का टाइम होगा, और ये जो वेरीफिकेशन होती है ये SKC के थ्रू की जाती है। लिथुआनिया में भी सेम है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होती है पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जो होती है वो SKVC के थ्रू होती है, पर जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये अथॉरिटी दी हुई है तो ये लोग खुद वेरीफाई करते हैं, तब आपका जो SKVC का स्टेप्स है वो आपका बच जाता है। जैसे कि विल्नस यूनिवर्सिटी, विल्नस टेक और MRU यूनिवर्सिटीज़ हैं ये खुद वेरीफाई करते हैं, तो आपका यहाँ पे SKVC का जो प्रोसेस है वो नहीं होता। और अगर जब लिथुआनिया में आ रहे होते हैं तो लिथुआनिया में अगर आपने ओपन स्कूलिंग से 12th करी है तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं होती, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी लेटविया वगैरह में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लिथुआनिया वगैरह के यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो 3000 to 3500 euros आपकी फ़ीस है, तो दोनों की कंट्रीज़ की देखी जाए तो लगभग सेम है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बाकी इंटेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 इंटेक्स होते हैं, स्प्रिंग इंटेक और ऑटम इंटेक। लिथुआनिया में होता है TRC कार्ड और लिथुआनिया में होता है TRP। तो जो TRC कार्ड है वो आपको 1 महीने में मिल जाता है और जो TRP कार्ड है उस 3 महीने का टाइम होता है, पर जनरली उससे पहले ही आपको ये लोग दे देते हैं। तो अब इस वीडियो को थोड़ा बाइंड अप करते हैं। तो लिविंग की वैसे बात करी मैंने आपको, 300 to 350 euro होता है, ये दोनों कंट्री का सेम है। सैलरीज़ यहाँ पे सैलरीज़ भी आप जॉब करोगे तो सैलरी भी मार्केट जो जॉब मार्केट है वो भी काफ़ी लगभग सेम है। वेजेस यहाँ पे लगभग दोनों कंट्री में 800-700 euro जो मिनिमम वेज है वही है। आफ्टर स्टडी यहाँ पे पोस्ट स्टडी वीज़ा जो मिलता है वो 1 ईयर का है, तो आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हो, EU के और किसी कंट्री में जा सकते हो और जॉब कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिल जाती है और जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका जॉब का टाइम पीरियड बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है और आपका जो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पे आप ओवर टाइम के लिए रुक जाते हो। दोनों ही कंट्री में पार्ट टाइम काम कर सकते हो, अपना जो एक्सपेंसेस निकाल सकते हो और अपने घर को भी सपोर्ट कर सकते हो हो जाता है, पॉसिबल है। और जो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ही कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली दिख जाएंगे। और तो कम्युनिटी के वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने जैसे मुल्क के लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है, वेदर भी दोनों कंट्री का सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा सेम है, तो ओवरऑल दोनों ही कंट्री काफ़ी अच्छी है। आप पे है कि आपको कौन सी कंट्री लेनी है, आपको कहाँ एडमिशन मिल रहा है, जो आपको कोर्स चाहिए वो कहाँ पर ऑफर हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग तो आप मेरे को DM करो या कमेंट बॉक्स में डालो, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। मैं जानता हूं अभी एडमिशन टाइम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास DMs आते हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, पर आप कमेंट बॉक्स में भी डालना क्योंकि वहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द अनदर व्लॉग।